तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का पार्ट थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। तो हमें करना क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो ये जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, हमें इसका ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके मिनिमम टू सॉल्यूशंस ऑब्टेन करने होंगे। और ये सॉल्यूशन हम बिल्कुल वैसे ही ऑब्टेन कर सकते हैं जैसे आपने कल की क्लास में, अगर आपको याद हो, आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के फोर सॉल्यूशंस ऑब्टेन किए थे। तो यहाँ पर तो बस आपको टू ही सॉल्यूशंस ऑब्टेन करने हैं। तो सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का वही तरीका रहेगा, इसमें से एक्स या वाई में से किसी एक वेरिएबल को हम LHS में लिखेंगे, जबकि बाकी सारी टर्म्स को हम RHS में मूव करा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 3x को इसमें RHS में ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, देन y इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। ध्यान रखिएगा y के साथ अगर कोफिशियंट है तो उसको भी डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 12 माइनस 3x होल अपॉन 2। अब इसमें जो RHS में वेरिएबल आता है, हम उस वेरिएबल के प्लेस पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करके दूसरे वेरिएबल के जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस को ऑब्टेन करेंगे। ध्यान रखिएगा कल तो हम RHS वाले वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते थे क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्यूशंस ऑब्टेन करने थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, तो आपको RHS वाले वेरिएबल में ऐसी वैल्यूज़ को पुट करना होगा जिससे सॉल्यूशन ऑलवेज इंटीजर आए। तो देखिए हमने इसमें वैल्यूज पुट करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें एक्स के प्लेस पे जीरो रखा, तो आप देख सकते हैं एक्स के प्लेस पे जीरो रखने पर यह आ जाएगा वाई इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 होल अपॉन बाई 2। तो सॉल्व करके 12 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 6। फिर हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया तो y इक्वल टू आ गया 12 माइनस 3 इंटू 2 होल अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2, तो सॉल्यूशन आ गया 3। तो इस तरीके से x 0 पुट किया तो y 6 आ गया, x 2 पुट किया तो y हमारा 3 आ गया। आप सोच रहे होंगे इसमें हमने x इक्वल टू 1 क्यों नहीं पुट किया, तो आपको बता दें x इक्वल टू 1 इसमें इसलिए पुट नहीं किया गया, अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट करते तो उसका सॉल्यूशन क्या आता, तो ये आता है 12 माइनस 3 इंटू 1 होल अपॉन 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके आ जाता 9 अपॉन 2, और 9 अपॉन 2 आप जानते हैं कि इंटीजर वैल्यू नहीं है। अब इंटीजर वैल्यू नहीं होने की वजह से इसको ग्राफ में प्लॉट करना हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम में रहता, तो इस वजह से हमने यहाँ पर x इक्वल टू 1 को यूज़ नहीं किया। वैसे भी आपको बताया गया था ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सॉल्यूशंस का इंटीजर में होना ज़रूरी है जिससे कि हम ग्राफ को आसानी से प्लॉट कर सकें। अब ये दोनों सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के बाद इनको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि x 0 पुट किया तो y 6, तो पहला सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 0.6 इस तरीके से। फिर हमने x को 2 पुट किया तो y 3 आया था, दूसरा सॉल्यूशन हमारा हो गया 2.3। ठीक है, ये सॉल्यूशन में हम x y की वैल्यूज़ को साथ मिलाकर लिखते हैं, एक x वैल्यू एक y की वैल्यू को साथ मिलाकर लिखेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, दैट्स व्हाई 0.6 में एक सॉल्यूशन हो गया। फिर x को 2 पुट किया y 3 आया, तो दैट्स मीन 2.3 हमारा इसमें दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब इन दो सॉल्यूशंस को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में बता दें। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं दो लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये चैप्टर थर्ड जब हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। तो जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे बोलते हैं हम ओरिजिन। ठीक है, जब भी हम कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो पॉइंट हमेशा एक्स कोमा वाई के फॉर्म में होना चाहिए, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में जो है आप जो मैक्सिमम वैल्यू हमें नज़र आ रही है वो 6 है, तो इट मीन्स हम इसमें करेंगे क्या, ग्राफ में हम जो है 6 तक ही यहाँ पर पॉइंट जो मार्क करते हैं। पहले आपको ये बता दें इसमें LHS में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के यहाँ पे टू पार्ट्स हो रहे हैं इस वर्टिकल लाइन से, ये इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये इसका राइट वाला पोर्शन है। तो एक्स का जो राइट वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, लेफ्ट वाले पोर्शन को नेगेटिव लिया जाएगा। इट मीन्स राइट वाले पोर्शन में एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और लेफ्ट वाले पोर्शन में एक्स की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। इसी तरीके से वाई एक्सिस भी यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है एक्स एक्सिस से, तो वाई के अपर पोर्शन में पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है, और वाई के नीचे वाले पोर्शन में लोअर पोर्शन में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी भी। ठीक है, 6 तक हमने यहाँ पे मार्क किया, जैसे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने सिर्फ पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव जो वाई एक्सिस है उसी पर मार्क किए हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो सभी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं टेबल में वो पॉजिटिव है, तो डेट्स वाई हमने सिर्फ एक्स एक्सिस
और y एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यूज पर ही हमने ये मार्क किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए पहले पॉइंट को इसमें हम पहले सॉल्यूशन को दिखाते हैं जो कि 0.6 है। अब क्योंकि यहाँ पर x 0 है तो ये जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पर होगा और y एक्सिस पर वहाँ होगा जहाँ पर y की वैल्यू 6 होगी। तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू 6 यहाँ पर है, तो जो पहला पॉइंट होगा 0.6 वो यहाँ लाई करेगा जहाँ पर ये पॉइंट हम बना रहे हैं। सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं x2 और y3। तो आप देख सकते हैं x2 यहाँ पर है, y3 यहाँ पर है। तो अब इस पॉइंट को हम कैसे दिखा सकते हैं, तो इसके लिए हमें करना ही होगा कि x=2 से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, y=3 से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा 2.3। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ में जो अपने सॉल्यूशंस हैं उनको प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट्स हो गए थे, पहला पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट हमारा ये। अब हमें इनका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम दोनों पॉइंटों को आपस में जो है ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो ज्वाइन करने पर आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ऑप्टेड हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें पहला पॉइंट जो था आपका 0.6 वो यहाँ पर है, 2.3 यहाँ पर है, दोनों को ज्वाइन किया तो लाइन इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x + y = 6। तो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे, टू सॉल्यूशंस। तो हम 3x की टर्म को उधर ले जाते हैं तो y = आ जाएगा 6 - 3x। अब इसमें x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो y = 6 - 3 × 0, तो 6 - 0 = 6 आ गया। देन x के प्लेस पे 1 पुट किया तो y = 6 - 3 × 1, तो 6 - 3 = 3 आ गया। तो इस तरीके से हमारे टू सॉल्यूशंस आ गए। अब पहला सॉल्यूशन हमारा x0 तो y6, तो पहला सॉल्यूशन बन जाएगा 0.6, सेकेंड है x1 तो y3, तो सेकेंड सॉल्यूशन हो जाएगा 1.3। इन दोनों को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से पहला पॉइंट पहला पॉइंट है वो 0.6 है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट y-एक्सिस पर होगा और y-एक्सिस पर वहाँ जहाँ पर y की वैल्यू 6 होगी दैट मीन्स वो पॉइंट यहाँ पर होगा। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ प्लॉट किया, सेकेंड पॉइंट x1 y3, तो आप देख सकते हैं x = 1 यहाँ पर था, y = 3 यहाँ पर था, दोनों को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो सेकेंड पॉइंट 1.3 आपका यहाँ पर होगा। दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो इस तरीके से जो ग्राफ है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का वो ड्रॉ हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो इनके बेसिस पर आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उनको आप करके देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक यू।